अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो चलो एक कार्डबोर्ड से ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ले लिया है, ये वाले कार्डबोर्ड के पीसेज उनको कवर कर दिया है रैपिंग पेपर से। और अब हमने इसका इस तरह का बॉक्स बना लेना है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर रखने के लिए भी तो कुछ लेना है। तो उसके लिए हम ये कार्डबोर्ड लेंगे जिसके बाद मैंने इस तरह की डिज़ाइनिंग कर ली है। अब हम इनको कट कर लेंगे, फिर उसके बाद इनको रैपिंग पेपर से रैप कर देंगे। अब इनको रैपिंग कट करने के बाद, रैपिंग पेपर से रैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह का कट करना है हमें। और आपने इनको ज्वाइन कर देना है और इनका एक बॉक्स बना देना है जिस तरह मैं बना रही हूँ। मेरे पास ये कलर पेपर था तो मैंने इसी का कट दिया है। आपके पास अच्छे वाला हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। अब अपने इस तरह का बॉक्स बना लेना है, इस तरह का टू बनाना है। अब आपने वो जो हमने होल्डर बनाया था उसके अंदर रख देना है। और एक 11x22 सेंटीमीटर का एक गत्ता रख देना। फिर उसके बाद आपने एक और ड्रॉ रखना है, फिर उसके ऊपर भी आपने एक वो रख देना है 11.5x22.5 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड। आपने सबको ग्लू गन से स्टिक कर देना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। देखिए अभी से ये इतना प्यारा लग रहा है। आपने फिर इसको खोलने के लिए भी तो कुछ लगाना है। तो आप खोलने के लिए आगे हाफ कट पीट लगा सकते हैं, मैंने भी वही लगाया है। तो मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको सामान रख के भी दिखाऊंगी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट करती रहिएगा। तो ये आपको कैसे लगा, और अगर आप भी ये बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मुझे अपनी फ़ोटो कमेंट में ज़रूर शेयर करना।